अभी जो रिसेंटली बर्ड हमारे पास पहुंचे हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के बर्ड है। यार आप घर के अंदर थोड़े से बर्ड रख के और मिनिमम कम से कम बर्ड रख के अच्छी से अच्छी इनकम कर ले। देखे जी, मैंने सबसे पहले ना देसी मुर्गियों से स्टार्टअप लिया था। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो सबसे महंगी मुर्गी है या मुर्गियों में नाम शुमार हो रहा है वो इंडियन पैरट बीक लॉन्ग टेल। ये ऐसे कह लें कि कुदरत ने मुर्गी को तोते के अंदर उतार दिया, तोते की शेप को मुर्गी के अंदर दे दिया। थोड़े से बर्ड रख के और मिनिमम कम से कम बर्ड रख के अच्छी से अच्छी इनकम कर लें। इवन के आप इसके जो है ना वो 10 मुर्गियां और कोई 4-5 मुर्गे लगा के 15 बर्ड से आप तकरीबन कोई 5,000 मुर्गी या कह लें कि 20,000 मुर्गी वाला जो फार्म है उस जितनी इनकम कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाजिर है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम ऐसे इंसान के साथ मौजूद हैं जिसने के असील पैरट बीग लॉन्ग टेल को एक हाइप दी है और उसी के साथ साथ जो फैंसी मुर्गियों का शौक है उसको भी एक अच्छे लेवल तक प्रमोट किया है और मजीद इस टाइम कर रहे हैं और लोगों को एक क्वालिटी शौक करवा रहे हैं, बाहर से बर्ड इम्पोर्ट करवा रहे हैं ताकि क्वालिटी बर्ड का लोग शौक करें। बट साहब हमारे साथ हैं, माशाल्लाह आज इनकी शिपमेंट हमारे पास पहुंच चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही क्वालिटी बर्ड पैरट बीक के अंदर जो है वो मोस्टली जो देखने में आया वो हीरे में जो है वो इंपोर्ट हुआ है बर्ड। मजीद बट साहब से पूछते हैं कि क्या सीन है, कब से ये शौक चल रहा है और इस शौक को इतना ऊपर तक लेके जाने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम है जी। बट साहब माशाल्लाह शिपमेंट पहुंच चुकी है, अल्लाह के फजलो करम से, खैर वाफियत से सारे बर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो ये क्या सीन है, थोड़े सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस लेवल का शौक और इस लेवल का क्वालिटी बर्ड। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो सबसे महंगी मुर्गी है या मुर्गियों में नाम शुमार हो रहा है वो इंडियन पैरट बीक लॉन्ग टेल। ये ऐसे कह लें कि कुदरत ने मुर्गी को तोते के अंदर उतार दिया, तोते की शेप को मुर्गी के अंदर दे दिया, ठीक है ना। जैसे हम रात होता है या दूसरे मकाउज वगैरह तोते देखते हैं, तोते जैसी इसकी नोक होती है, दुम जी भी तोते की जैसी लंबी होती है। अभी मेरे पास शिपमेंट अभी रिसेंटली पहुंची है, थोड़ी देर पहले ही पहुंची है। आपको भी पता है जब दूसरे मुल्क से बर्ड हमारे पास आता है तो ट्रैवल करके आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है, थकावट भी हो जाती है। हम भी ट्रैवल करते हैं तो थकावट हो जाती है। अभी बर्ड वो अपनी पूरी जोबन पे नहीं है। देखे जी, मैंने सबसे पहले ना देसी मुर्गियों से स्टार्टअप लिया था। अच्छा, और देसी मुर्गी हमारी किलो के हिसाब से बिकती है, उतने का दाना खा जाती है जितने का। एक मुर्गी में 20-30-50 रुपए का प्रॉफिट होता है, बिल्कुल ठीक है। आप क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं तो ऐसे ही है, ठीक है। हमने वो चीज बनाई है कि यार आप घर के अंदर थोड़े से बर्ड रख के और मिनिमम कम से कम बर्ड रख के अच्छी से अच्छी इनकम कर लें। इवन के आप इसके जो है ना वो 10 मुर्गियां और कोई 4-5 मुर्गे लगा के 15 बर्ड से आप तकरीबन कोई 5,000 मुर्गी या कह लें कि 20,000 मुर्गी वाला जो फार्म है उस जितनी इनकम कर सकते हैं। वो अच्छा। भी 20-15 बर्ड आप आराम से जो है ना वो 5-6 केज बनाए उसके अंदर लगा दें, जोड़ा जोड़ा या ट्रायो ट्रायो बना के लगा दें। ट्रायो मीन्स दो, एक मुर्गा दो मुर्गियां, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है कि आप घर की छत पे या घर के कमरे में या किसी भी जगह पे सेन में रख के अपना अच्छा इनकम कमा सकते हैं, अपनी कम स्पेस को जो है हाँ, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास में देखें जी, ये अभी दुनिया की सबसे महंगी मुर्गी है इस टाइम। इवन इसका जो बच्चा जो है ना वो 50,000 रुपए का है, 60,000 रुपए का एक महीने का बच्चा जो है ना वो। मैं बेसिक इंपोर्टर हूँ, मैं इंपोर्ट करवाता हूँ बर्ड, और थोड़े से बर्ड मैंने जो खुद ब्रीडिंग के लिए भी रखे हुए हैं क्योंकि मेरे काफ़ी फैन फॉलोइंग है और वो मुझे कहते हैं कि मैं था भाई बीच में काफ़ी माशाल्लाह आप जैसे तगड़े नहीं होते हैं तो बीच में कोई होते हैं कि यार जो है ना वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो चूजों से अपना स्टार्टअप लेते हैं। बाकी महताब भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्वालिटी बर्ड्स ब्रीड भी करवा रहे हैं और तमाम बर्ड्स की अपडेट जो है वो इनके चैनल पे भी शेयर होती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि पैरट बीक का जो शौक कर रहे हो उसको एक अच्छे लेवल तक हम ले जा सकें और आप भी पैरट बीक का अच्छा शौक कर सकें। क्योंकि मेरा फार्म जो है ना, ये जो मेरा पैरट बीक का फार्म है, ये यहाँ पे पैरट बीक भी है फैंसी तकरीबन हर किस्म के मेरे पास। इस टाइम जो है मेरे 3 फार्म मैं ऑन कर रहा हूँ। एक तो मैंने घर पे जो पहले बनाया हुआ था वहाँ पे तो मेरे पास पाकिस्तानी वाइट हीरा सीला, वो जो कि मेरी बेगम ने रखे हुए, कहते हैं मुझे साइड बिजनेस के तौर पे कर देंगे, मेरे केज फ्री हो गए हैं। तो फिर देन मेरा शामू का भी एक सेपरेट फार्म है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेरा मेन फार्म ये है क्योंकि यहाँ पे बेसिक हम इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना।
चांदी के बर्ड जो है ना मैं ब्रीडिंग के लिए रखे भी हुए हैं, जिनको चूजे चाहिए वो चूजे भी मिल जाएंगे, जिनको बड़े बर्ड चाहिए बड़े बर्ड भी मिल जाएंगे। ठीक है मेहताब, इसमें मैं एक और चीज बताइएगा कि माशाल्लाह इस क्वालिटी का और इस लेवल का बर्ड आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो एक आपको टीम चाहिए होती है, तो आपका क्या सीन है, अकेले इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं? नहीं जी, बेसिक जो है ना वो मैंने काफ़ी जो है ना वो पार्टनरशिप में भी गिर जाएगी। ये जो हमारा फार्म है अभी, इवन अभी जो रिसेंटली बर्ड हमारे पास पहुँचे हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के बर्ड है, वो काफ़ी दोस्त मिल के भी जो है ना वो कंबाइन शिपमेंट भी करवाते हैं, जो लोग शिपमेंट नहीं करवा सकते हम उनको शिपमेंट भी करवा के देते हैं। इवन मैंने जो है ना ज़्यादातर हम मेरा काम है बड़ा बर्ड इम्पोर्ट करवा के बड़ा बर्ड फार्मर को देना, ठीक है ना, फार्मर आके ब्रीड करवा के उनके चूजे वगैरह जैसे अपनी इनकम रेज करते हैं, हम पठी पठान भी मंगवाते हैं। इस बार मैंने वाइट कलर में ज़्यादा मंगवाया क्योंकि वाइट कलर के हमारे पाकिस्तानियों एक है कि जी वाइट कलर भाई, ये जो एक ऐसा बर्ड है इसकी अपनी ही खूबसूरती है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि वाइट कलर, वाइट कलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है दूसरे कलर से, और माशाल्लाह इवन मेरे पास वाइट कलर से भी दूसरे कलर में एक ऐसे ऐसे बर्ड है, यकीन मानो कि अगर कोई क्वालिटी को समझने वाला बंदा होगा वो कहेगा मुझे कलर पे नहीं जाना मुझे क्वालिटी पे जाना। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की हमारी 100% गारंटी होती है कि हमारा प्योर 100% इंडियन तमिलनाडु बर्ड है, इसकी गारंटी है। मैं डॉक्यूमेंट साथ देता हूँ, जिसको डॉक्यूमेंट सही हो, जिसको ट्रस्ट होता है वो मोस्ट वेलकम, और जिसको नहीं ट्रस्ट होता भाईजान उसको डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। अच्छा, ताकि अगर बर्ड आपको गलत लगे तो भाईजान आप किसी जगह पे भी जाके हमें चैलेंज कर सकते हैं, क्या बात, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। और इवन बर्ड देखे मैं आपको बताता हूँ, इसका मैक्सिमम जो है ना वो महीने का चीज़ है 50,000 रुपये का, वाइट कलर में आप चले जाएँ तो, दूसरे कलर में चले जाए तो वो तकरीबन 35,000 रुपये का चूज़ है। वाइट कलर थोड़ा सा महंगा होता है, इवन शामू में भी ऐसा है वाइट कलर महंगा है, तो ये सील वरायटी जितनी भी इसके अंदर वाइट कलर हमेशा महंगा पाया जाता है, ठीक है। खूबसूरती का बर्ड है, बहुत प्यारा बर्ड है, इवन अभी 4-4, 5-5 लाख रुपए का भी बर्ड है, इसका बच्चा भी है, देखे 50,000 रुपए का बच्चा बिक रहा है तो 4-5 लाख रुपए का बर्ड है, सेलिंग और जो है ना वो बाइंग जो मैंने करनी होती है। मतलब कि अगर हमारे किसी व्यूअर ने कोई बर्ड परचेज करना है तो वो डायरेक्टली आपसे ही कांटेक्ट करेगा? हाँ बिस्मिल्लाह, मेरा मोबाइल नंबर मैं भी बता देता हूँ, 0301-680-6045 है मेरा मोबाइल नंबर। प्लीज रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज, मैं सिर्फ देखें जी आप अकेले बंदा कॉल नहीं कर रहा, ये वीडियो ये नहीं, हज़ारों वीडियोस लगी हुई हैं मेरी, हज़ारों इंटरव्यूज़ हैं, बीच में काफ़ी बंदे हैं जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी मेरे दोस्त जो है ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो प्लीज़ प्लीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब ना कीजिएगा, जो बंदा सीरियस हो प्लीज़ उसी से, ये मेरा दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो सीरियस बंदा वही कॉल करे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बर्ड संभाल रहा हूँ, बर्ड को मैनेज कर रहा हूँ, और बंदे भी आ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है, उनको भी देने होते हैं। ये हमारे शाह जी हैं जो कि मेहताब भाई के साथ होते हैं, और बाकी इनका तारुफ मेहताब भाई दिख रहा है, जो है ना वो पार्टनर है मेन, मैं और अब्दुलरहमान भाई और एक मौजम भाई हैं, लेकिन वो जो है ना कैमरा शाही हैं, वो बिल्कुल कैमरे पे नहीं आते हैं, उनको पता नहीं क्या मोहब्बत कैमरे से मोहब्बत ही नहीं, कहते हैं मैंने कैमरे पे नहीं आना। और जो है ना हम जो है ना वो फार्म पे मौजूद होते हैं, जो अब्दुलरहमान भाई हैं वो मौजम की भी हेल्प करते हैं, मौजम भाई की और मेरी भी हेल्प करते हैं, मेरे साथ सेलिंग में भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि मैं अकेला बंदा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, और आप अगर मैं नहीं होता हूँ तो अब्दुलरहमान भाई आपको अटेंड करेंगे, ठीक है। जिन भाइयों को भी चाहिए, हमारा फार्म जो है वो लाहौर मांगा मंडी से थोड़ा सा पहले जस्ट बाट अड्डा स्टॉप है, वहाँ पे आपको बर्ड्स पैराडाइज फार्म का जो है वो बोर्ड्स भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप आके किसी से पूछ लीजिए यार बर्ड्स पैराडाइज फार्म पे जाना है, कोशिश करें कॉन्टैक्ट करके आए, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए तो बर्ड्स पैराडाइज फार्म भी सर्च यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और कायरो फार्म भी सर्च कर सकते हैं, कायरो फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल को मैं हैंडल करता हूँ, बर्ड्स पैराडाइज के नाम से अब्दुलरहमान भाई चैनल को जो है ना वो मैनेज करते हैं। अब्दुलरहमान भाई इस टाइम थोड़ी सी ड्यूटी इनकी ज़्यादा हो चुकी हुई है तो थोड़ा सा कम नज़र आते हैं, और मेरी थोड़ी सी ड्यूटी सेलिंग भी है तो मैं तो नज़र आता ही रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे मलिक अजीम साहब हैं, ठीक है ना, इंडिया के अंदर जितनी भी बाइंग होती है, जितने भी बर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं, इनकी बाइंग होती है, उनके जितने भी सिस्टम है वो अजीम भाई मैनेज करते हैं, ठीक है। हम टोटल जो है ना वो यहाँ पे 3 और 4th पर्सन जो है हमारे मलिक अजीम भाई हैं, ठीक है। ये सारी जो जितनी भी बाइंग होती है इंडिया के अंदर, जितने भी बर्ड सेलेक्ट किया जाता है वो अजीम भाई करते हैं, माशाल्लाह। और जो 4th है माशाल्लाह हमारे मौजम भाई, वो कैमरा शाही है, वो तो उन्होंने आना ही नहीं ना, वो तो जो मर्जी कर ले, आज तक नहीं आए वीडियोज़ के अंदर, तो वो उन्होंने आना भी नहीं है। तो अभी आप में से कोई भी बंदा आना चाहे, हम तीनों भाइयों में से किसी से भी रब्ता करके आ सकता है, बट आप फार्म पर आ जाएँ, फार्म पे मैं नहीं होऊंगा, अब्दुलरहमान भाई, अगर अब्दुलरहमान भी नहीं होंगे तो अजीम भाई भी नहीं होंगे तो मौजम भाई आपको अटेंड कर लेंगे, इवन मेरे जो लड़के काम कर रहे हैं तो वसीम हो सकता है, शरोज हो सकता है, वो भी आपको अटेंड कर लेंगे, ठीक है। अभी हम सबको दीजिए इजाज़त, न्यू वीडियो में मिलेंगे।